हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैनेजमेंट लर्निंग वर्ल्ड। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए आईसीटी का जो हमारा टॉपिक होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इस टॉपिक में से कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको एग्जाम में ज़रूर पढ़ने हैं। इससे पहले भी मैं 3 वीडियोज़ डाल चुका हूँ जिसमें हमने ये पढ़ा था कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन में। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो लिंक उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, आप उन वीडियोस को भी जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस मैं इस सीरीज में कवर कर रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर पैटर्न्स के बेस के ऊपर इस एग्जाम में देखे गए हैं। चलिए हम शुरू करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको आईसीटी के टॉपिक से पढ़ने हैं। तो पहला टॉपिक है टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी आपकी टर्मिनोलॉजी है वो आपको पढ़ के जानी है, जैसे कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सीपीयू क्या है, एएलयू क्या है, मेमोरी क्या होती है, इसके साथ में कंप्यूटर से रिलेटेड जो और भी अदर चीज़ें आती हैं वो आपको इस टर्मिनोलॉजी में सारी कवर करनी है। ये वही हैं जो आप शुरू से पढ़ते आए हैं, आपने स्कूल लेवल में भी पढ़ा होगा जब आपने कंप्यूटर पढ़ना स्टार्ट किया। तो ये बहुत ही इजी टॉपिक है, जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है कंप्यूटर की वो आपको इसमें कवर जो है वो ज़रूर करनी है। जैसे आपकी इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इनसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया जाता है और बहुत ही इजी कैटेगरी का क्वेश्चन आता है, तो आपको इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको ये ज़रूर पढ़ना है टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू कंप्यूटर्स। अगर आपके पास स्कूल लेवल में अगर आपने कंप्यूटर पढ़ा होगा तो वहाँ पर आपकी जो बुक होगी आपको उसी में से रिलेटेड मटेरियल मिल जाएगा। तो ये बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन इससे आता है, बस आपको अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स जो हैं टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड वो क्लियर रखनी है। सेकंड हम बात करते हैं स्टोरेज डिवाइसेस। तो स्टोरेज डिवाइसेस हमारी कौन कौन सी होती हैं ये आपको यहाँ पर पढ़ के जाना है। हमारी प्राइमरी स्टोरेज है, सेकेंडरी स्टोरेज है, रैम, रोम, प्रोम, ई प्रोम, ये सारी आपको पढ़नी है। और सेकेंडरी डिवाइसेस में कौन कौन सी डिवाइसेस आती हैं वो भी आपको इसमें पढ़ के जानी है। इसमें भी ये इजी कैटेगरी के क्वेश्चन होते हैं और अगर आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका जो मार्क्स हैं इससे नहीं कटेंगे। ये बहुत ही इजी टॉपिक है और अच्छे इजी टाइप के क्वेश्चन ही यहाँ से मैक्सिमम आपको देखने को मिलते हैं, बस आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो जानी चाहिए। तो रैम रोम के ऊपर अक्सर ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ पे देखा जाता है, तो इसे आपको यहाँ पर जरूर पढ़ना है। तो ये है आपका स्टोरेज डिवाइसेस। नेक्स्ट है जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। जनरेशंस की जैसे कि हमने शुरू में भी पढ़ा है कि 5 जनरेशंस होती हैं कंप्यूटर्स की, तो इसमें आपको जो मेन ये पढ़ना है यहाँ ये पढ़ना है कि कौन सी जनरेशन में जो कंप्यूटर्स हैं वो किस तरह की जो सॉफ्टवेयर्स थे वो यूज़ करते थे। जैसे हम बात करें फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होती थी, ये आप देख लीजिएगा कौन सी जनरेशन में कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं। तो ये आपको पढ़ना है जून अटेम्प्ट में भी जो मैनेजमेंट का पेपर हुआ था 24th को सेकंड शिफ्ट में, उससे भी एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड जनरेशंस से रिलेटेड देखा गया था। तो जनरेशंस आपके लिए एग्जाम के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स आपको ज़रूर पढ़नी है। नेक्स्ट है डेटा कन्वर्जन। इसमें आपको पढ़ना है, इसमें आपको एक न्यूमेरिकल पढ़ना है और न्यूमेरिकल ही एग्जाम में आता है। आपको दे दिया जाएगा कोई डेसिमल नंबर और उसको कहा जाएगा कि इसको आप कन्वर्ट कीजिए बाइनरी नंबर में, या फिर आपको बाइनरी नंबर दिया जाएगा और क्वेश्चन होगा कि आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल्स में। तो आपको ये ज़रूर पढ़ना है, यहाँ से भी क्वेश्चन अक्सर देखा जाता है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन। तो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है इसकी एजुकेशन फील्ड में जो है वो क्या एप्लीकेशन है ये आपको पढ़नी है। जैसे कि मैं अभी इस वीडियो को बना रहा हूँ और आपको ये एजुकेशन दे रहा हूँ, तो ये भी आईसीटी के थ्रू ही आ रही है, क्योंकि हम किसका यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं। तो ये इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से ही आज जो है वो एजुकेशन में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है और गवर्नमेंट भी इसके ऊपर बहुत सारा फोकस कर रही है, जो आपका ये नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कि आईसीटी की जो इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट ने लिए हैं, तो ये आपको पढ़ने हैं। ये दोनों टॉपिक्स जो हैं आपस में इंटर रिलेटेड हैं कि कौन कौन सी एप्लीकेशन जो हैं वो आईसीटी की एजुकेशन में है और इस एजुकेशन में एक पॉजिटिव चेंज लाने के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन से आईसीटी इनिशिएटिव्स लिए हैं। जैसा कि मैंने आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के वीडियो में भी बताया था कि गवर्नमेंट ने कुछ डिजिटल इनिशिएटिव्स लिए हैं एजुकेशन में, जैसे स्वयं प्रभा, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। तो ये सारी चीज़ें आपको इस टॉपिक में भी पढ़नी है और इसमें भी ये आती हैं। तो रिसेंट आईसीटी इनिशिएटिव्स
और एप्लीकेशंस, ये आपको जरूर पढ़ के जानी है क्योंकि ये आपके करंट अफेयर से रिलेटेड भी कहीं ना कहीं है, ये लेटेस्ट चीजें हैं। और जो नई इससे रिलेटेड जनरल अवेयरनेस आती है वो भी आपको जरूर पढ़नी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखें तो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे हमारे पास है मशीन लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, आपको ये पढ़नी है। लैंग्वेजेस पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि जैसे C++ है आपको उसकी प्रोग्रामिंग में जाना है, लेकिन एक्चुअल में आपको ये पता होनी चाहिए कि कौन सी लैंग्वेज जो है वो कौन सी है। जैसे हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं तो वो कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं, इसमें से एग्जाम में आपको जो क्वेश्चन आता है वो इस तरह से कई बार देखने को मिलता है, आपको कुछ लैंग्वेजेस दे दी जाती हैं और फिर पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो आपको ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए और इसमें आपका जो कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, ये इस टाइप के जो टॉपिक्स हैं वो भी इसमें कवर होते हैं, तो ये आपको जरूर पढ़ना है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। नेक्स्ट है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड फॉर कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर्स के लिए कौन कौन से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है फंक्शनिंग के लिए, ये आपको पढ़ के जाना है। सॉफ्टवेयर में हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, और सॉफ्टवेयर का जो टॉपिक है इसमें मैं बात करूं तो एक टॉप क्वेश्चन इसमें अक्सर देखने को मिलता है, आपको कुछ लिस्ट दे दी जाती है और पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर जो है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है या फिर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, तो आप इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट में लिख लीजिए कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आपको जरूर पढ़ना है और हार्डवेयर के जो भी कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के वो पढ़ने हैं। लास्ट टॉपिक ICT में मैं बात करूं तो वो है इंटरनेट टर्मिनोलॉजीज। तो इंटरनेट टर्मिनोलॉजीज भी आपको पढ़ के जानी है, इसमें आपको TCP/IP जो भी प्रोटोकॉल्स होते हैं, आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, तो ये चीजें आपको पढ़ के जानी है। और इंटरनेट से मैं बात करूं तो बहुत ही इजी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है, आपसे ये पूछ लिया जाता है कि आपको लिस्ट दी जाती है उसमें पूछा जाता है कि कौन सा इसमें से वेब ब्राउजर है, कौन सा सर्च इंजन है, तो बहुत ही इजी कैटेगरी का क्वेश्चन यहां से आता है। और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड भी आप में इसमें जो टर्मिनोलॉजी है वो पढ़ के जानी है कि वायरस क्या होता है, बॉम्ब क्या होता है, स्पैम क्या होता है, ईमेल आप जरूर पढ़िए क्योंकि ईमेल से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं, उसमें बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है, आपको एक ईमेल का सेटअप दिया जाता है और पूछा जाता है कि इस ईमेल को कौन से पर्सन देख सकते हैं, तो ये प्रीवियस ईयर में इस तरह के क्वेश्चन ICT से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो आपको ICT में बिल्कुल पढ़ने चाहिए अगर आप इस एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। और ये जो टॉपिक है ICT का, इसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन इसमें से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने डाउट्स को कमेंट में पूछिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।